मेरा नाम सदाशिव पाटिल है, मैं नासिक से आया हूँ, महाराष्ट्र से, और मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर कहके बैंक में मैं ज्वाइन हुआ 1983 में, और अभी मैं डायरेक्टर महाबैंक रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो ग्रामीण लोगों को व्यवसाय करने के लिए प्रवृत्त करके उनको प्रशिक्षण देती है ताकि वो अच्छे तरह से बिजनेस कर सके। इसके साथ में फार्मर्स को भी हम ट्रेनिंग देते हैं। जैसे अभी योगिक खेती की बात हो रही है, ये तो मेरा बचपन से अनुभव रहा है सर, कि मेरे पिताजी काफ़ी मेडिटेशन वगैरह करते थे, तो मैंने देखा है कि उनका जो जजमेंट था खेती के बारे में वो इतना परफेक्ट था। कभी सुबह उठ के वो जो लोगों को, मतलब वो काम करने वाले जो लोग हैं, उनको बोलते थे कि मुझे लगता है उधर बारिश रात में हुई है, हमारे वो खेत में बारिश हुई होगी उस तरफ, तो आप वहाँ जाके ये काम करके आइए। इस तरह का उनका वो मैंने अनुभव किया है। जो ट्रस्ट, जो दूसरों के ऊपर जो भरोसा करना है, ये भी मैंने देखा है कि वो भरोसा करते थे, उनका काम अपने आप होता रहता था, और हमारे घर बिल्कुल धान से पूरे भरे रहते थे, बहुत ही अच्छा यील्ड आता था। बाद में 1971 में मेरे बड़े भाई वो घर आए, वो खेती करने लगे, MSc PhD किया है उन्होंने बॉटनी में, और उन्होंने फिर ये रासायनिक खाद वगैरह शुरू किए। तो उस समय से धीरे 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 करके यील्ड में काफ़ी कमी आई मैंने देखा है, जबकि अच्छा मैनेजमेंट वगैरह सब होते हुए भी शायद वो जजमेंट और वो जो इनसाइट कुछ तो होता है, तो वहाँ पे वो कॉन्सेंट्रेशन होना और वो इनसाइट आना, वो मैंने अनुभव किया है। वही मैंने आज, मुझे तो मालूम नहीं था कि ये योगिक खेती क्या है, ये कैसे हो सकता है, मगर यहाँ आने के बाद वो जो शब्द मालूम पड़ा तो मेरे समझ में आया कि हाँ, ये वही है। ये तो बात एक है। दूसरी बात, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ इस ट्रेनिंग से, और सही में भारत में जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, उस तरह की और एक रिवॉल्यूशन प्रोडक्शन में आएगी मैं समझता हूँ। और ये प्रोडक्शन से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो नीतिमत्ता लोगों की डाउन हो रही है, तो नीतिमत्ता भी बढ़ने में उसमें काफ़ी मदद होगी। और सही में जैसे दीदी जी ने कहा, ये दो चार सेशन जो हुए उसमें जो कहा है कि ये जो नया युग सतयुग आने वाला है, और वो बाउंड्री पे कहीं पे है, हम है, उसमें मैं भरोसा करने लगा हूँ कि ये हो सकता है। क्योंकि जैसे ये इंस्टीट्यूशन है, ये विश्वविद्यालय है, इसके माध्यम से जो काम 137 कंट्रीज़ में जो हो रहा है, तो इतने बड़े पैमाने पे यदि हो रहा है, तो ये ज़्यादा और जनसंख्या कवर करने में मदद करेगा, और ये जल्दी हो सकता है ऐसे मुझे लगता है। मैं ये अपॉर्चुनिटी लेता हूँ, ये अभी ये जो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो हम ट्रेनिंग वो किसानों के लिए जो लेते हैं उसमें मैं ये ऐड करूँगा, और मैं सोच रहा हूँ कि 10 से 15 दिन का एक ट्रेनिंग मैं वो प्रोग्राम बनाऊँगा, और उसमें ये मैं सब इंक्लूड करूँगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग और योगिक फार्मिंग, ये रहेगा। मैं इसके लिए ये इंस्टीट्यूशन की मदद भी लूँगा कि उसमें कंटेंट क्या क्या होने चाहिए। और दूसरी बात है, यहाँ पे जाने के बाद तुरंत मैं एक महीने के अंदर कम से कम 3 मैं प्रोग्राम लूँगा देहातों में, वहाँ के लोकल यदि मेरे को असिस्टेंस मिला, ब्रह्मा कुमारी या ऐसा, तो मैं ये योगिक फार्मिंग के ऊपर देहातों में कम से कम 3 मैं, और उसमें 100 कम से कम फार्मर्स रहेंगे। मेरा नाम शुभ्रजा है, मैं झारखंड से आई हूँ, और झारखंड सरकार में नेशनल रूरल मिशन प्रोजेक्ट के अंदर कंसल्टेंट हूँ। मैं यहाँ सरकार की तरफ से नहीं आई हूँ, सेंटर से आई हूँ, और एक चीज़ यहाँ आते ही मुझे जिस दिव्यता का अनुभव हुआ, बहन जी बार बार कहती थी भगवान ने अवतार लिया है, लेकिन यहाँ आने के बाद
वो प्रकंपन, वो दिव्यता और यहाँ की पूरी व्यवस्था ने मेरा यह विश्वास दृढ़ कर दिया है कि भगवान ने अवतार लिया है। और ये मेरा सौभाग्य है, पिछले 3-4 सालों से मैं कोशिश कर, सेंटर से भी कोशिश हो रही थी, मेरी भी कोशिश थी कि मैं यहाँ आऊँ, लेकिन सही बात है परमात्मा को शायद मुझे कुछ जिम्मेवारी देनी थी, इसलिए उन्होंने अभी यहाँ बुलाया है, ये मेरा विश्वास है। और मैं सेंटर जाती हूँ, सुबह का क्लास नहीं हो पाता है ऑफिस के कार्यों से, पर कोशिश करूँगी कि सैटरडे और संडे से मैं शुरू करूँ। मॉर्निंग क्लास बार बार बहन जी कर रही थी और अब वो इंटेंसिटी मेरी बढ़ रही है, ये तो अपने लिए है। दूसरा, एटलीस्ट 10 ट्रेनर को मैं राजयोग के तरफ लाके यौगिक खेती को बढ़ावा देना चाहूँगी। ओम शांति। मैं प्रोफेसर अमर सिंह, डीन हूँ कॉलेज में भरतपुर में, और केवल मेरे 15 महीने अभी बचे हैं। मुझे बड़ा यहाँ आके इतना मतलब अच्छा अनुभव हुआ, और अभी ये दुख हो रहा है कि मुझे कल जाना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है, और आज वही मैं बार बार, मैंने कम से कम अपनी बहन जी जो है भरतपुर से आई है उनके साथ जो आया था, तो उनसे कई बार पूछा कि अगला प्रोग्राम कब है। तो मन ये करता है कि निश्चित रूप से इस तरह के प्रोग्राम जो न केवल ये प्राकृतिक खेती या जैविक खेती या नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है, ये तो मुझे लगा कि एक बहाना मेरे लिए है, लेकिन मेरे लिए बहुत पहले जो आना चाहिए था वो मैं अब वापस अब आ पाया, इसका मुझे खेद रहेगा निश्चित रूप से। मैं अकेला ही नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि पूरे परिवार को ही इसके साथ जोड़ दूंगा, निश्चित रूप से मेरा ये कमिटमेंट है आपके साथ में। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें इतना बड़ा कार्य जो हो रहा है कि पूरे मानव मात्र जो है पूरे विश्व के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके लिए जो आपने जो पहल की है उसके लिए तो मैं आपको साधु वही निश्चित रूप से कि जहर से बचा लिया लोगों को अभी बहुत पहले, नहीं तो ख़त्म सारा प्रोग्राम हो गया होता। निश्चित रूप से लोगों की समझ में आएगा ज़रूर आएगा। और इसके लिए मेरा थोड़ा सा आपसे एक अनुरोध है कि अभी मैं प्लान करूंगा, डॉक्टर सुधाकर साहब बैठे हैं हमारे, बहुत सीनियर हैं ये, जो कोऑर्डिनेटर रहे हैं, डायरेक्टर हैं आजकल अटारी के, रिटायर्ड हो गए। बहुत बार हमारी इनसे मुलाकात रही और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये यहाँ पधारे हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से भी इसका निवेदन करूँगा कि आपके 2 प्रोग्राम जो हमने किए अभी भरतपुर के अंदर, जिसमें प्रदर्शनी भी लगाई थी और पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोग्राम रखा था, इस बार हम ये सोचेंगे कि इस प्रोग्राम को हम लोग जैसे पहले हमको आदेश लाए थे उसी तरह से, मैं कल बात कर रहा था जिसे कि ICR के अंडर में और SAUs काफ़ी हैं सब अपने, कोई भी जिला बचा नहीं है, और एक एक जिले में करीब 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, एक नहीं 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र ऑल इंडिया के अंदर। तो उसका हम लोग जो है फ़ायदा उठाएं, निश्चित रूप से एक चिट्ठी अगर हमारे DDG एक्सटेंशन वाले को चली जाएगी तो निश्चित रूप से सारे KBK उसमें लाइनअप होंगे, और हमारा ये फोटो तो है ही, अपना तो है ही, लेकिन आपका उससे थोड़ा सा हमको और बल मिलेगा, और कोशिश ये करेंगे कि निश्चित रूप से ज़्यादा लोगों को इस विधा से जोड़ेंगे ही नहीं उनका, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा काम ये हो रहा है कि प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं है, फिजिकल प्रॉफिट लॉस की बात नहीं है, जीवन को जो है एक अमृत जो आप दे रहे हो और जीवन बदल रहे हो उसके लिए हम लोग भविष्य में बहुत प्रयास करेंगे। मैं वाक्यों से उसको नहीं व्यक्त कर सकता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में मैं आपको कॉन्फिडेंस दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से इसमें मैं प्रयास करूँगा। आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। मैं लक्ष्मीचंद शर्मा, हरियाणा से पलवल जिले से संबंध रखता हूँ। ये जो परंपरागत कृषि विकास प्रोग्राम 3 दिन से चल रहा है, बहुत ही एक्सीलेंट प्रोग्राम है ये, और जो हम विष खा रहे थे, अस्पतालों में मरीजों की भरमार थी, ये इस तरफ जो हरित क्रांति में परिवर्तन लाए हैं ये अपना ये विश्वविद्यालय के माध्यम से, सभी इसके शुक्रगुजार हैं और धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार मेरा एक सुझाव और है, जिस प्रकार आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर, डीन्स और कृषि अधिकारियों को आमंत्रित कर रहे हैं, इसी प्रकार आप बैंक के जो चेयरमैन हैं नेशनलाइज बैंक के, सहकारी बैंकों के,
क्योंकि हर योजना को सफल बनाने के लिए वित्त की बड़ी आवश्यकता होती है। तो मेरा एक अनुरोध है, आप बैंक की तरफ भी रुख करें और नेक्स्ट ईयर अगले वर्ष सभी बैंक के जो चेयरमैन हैं अधिकारियों को उनको भी इस प्रोग्राम में सम्मिलित करें ताकि आपकी ये योजना पूर्ण रूप से सफल हो। ओम शांति। ओम शांति। मैं राकेश कुमार सिंह अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट यूपी से आया हूँ और जैविक खेती तो मैं बहुत दिनों से कर रहा था और किसानों को इसकी ट्रेनिंग भी देता था जगह जगह जाकर, कुछ संस्थाओं से जुड़ा हुआ था, उन संस्थाओं के द्वारा भी मैं किसानों को जैविक खेती के बारे में जागरूक किया करता था। परंतु यहाँ आकर मुझे पहली बार पता लगा कि यौगिक खेती भी की जा सकती है। हालांकि जब भी मैं किसानों को जैविक खेती के बारे में बताया करता था तो उनसे एक बात कहा करता था, क्योंकि ब्रज क्षेत्र से हूँ मैं, तो हमारे यहाँ एक भजन गाया जाता है कि सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो मैं किसानों से भी यही कहा करता था कि तुम यही सोच के क्या करो कि यह ईश्वर ये तेरा खेत है, तेरी फसल है, मैं तो एक माध्यम हूँ, तेरी वजह से ये काम कर रहा हूँ। परंतु मुझे यहाँ आकर सबसे पहले पता लगा कि यौगिक खेती में सीड को कैसे जागृत किया जा सकता है, इसके बारे में पहले मैं नहीं जानता था। और मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो कभी सेंटर नहीं गया। एक बार हमारे यहाँ सूरज भाई आए थे तो मेरी मदर उनका प्रोग्राम बहुत देखती थी और बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, तो जब उन्होंने सुना कि सूरज भाई आए हैं, हॉस्पिटलाइज थी, नहीं चल सकती थी, डॉक्टरों ने एक बार तो कह दिया था कि गई, तो उन्होंने सुना सूरज भाई आए हैं तो बोली कि मेरी एक बार उनकी दृष्टि मेरे ऊपर डलवा दो। तो हम लोग गाड़ी में डाल के सूरज भाई के पास उनको लेके गए, एक स्कूल में प्रोग्राम था, उन्होंने देखा, वो आए मेरी माँ के पास में, उनसे बात हुई और उन्होंने उनकी दृष्टि डाली और बात हुई और उनका इतना उनके अंदर एक विश्वास डेवलप हुआ कि आज वो मुझसे भी ज़्यादा स्वस्थ हैं 84 साल की उम्र में और बहुत खुश हैं। तो तब मुझे मेरा विश्वास जागृत हुआ जब हमारे सेंटर के से पता लगा कि यहाँ पर यौगिक खेती का एक है 24 मई को, तो मैंने अपना नाम सबसे पहले दिया कि मैं ज़रूर जाऊँगा। और मैं तभी से यहाँ देखा करता था कि मैं क्लास कर रहा हूँ, यहाँ से सीख के गया हूँ, मैं अपने यहाँ किसानों को सिखाता हूँ, और आखिरी टाइम पे मेरा रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया गया। पर मैंने सोच रखा था किसी भी तरह से मैं जाऊँगा। मैंने एजेंट को फ़ोन किया जिस दिन जाना था, उसने बोला कि जी राजधानी में सिर्फ RAC में टिकट है, तो उनका जी अब बैठ कर चला जाऊँगा पर मैं जाऊँगा ज़रूर। स्टेशन गया तो मुझे बर्थ मिल गई और मैं आराम से यहाँ आ गया और आज एक इतनी एक आत्मीय संतुष्टि मिली मुझे। और ख़ास तौर से अभी जब मैं पीस पार्क देखने गया, मुझे पौधों का बहुत शौक़ है और यहाँ जितने जितने प्लांट्स हैं वो मेरे पास करीब करीब हैं, परंतु जो ग्रोथ और जो एक उनकी डेवलपमेंट मैंने यहाँ देखा पौधों को, मैं भी अपने पौधों को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत उन्हें उनसे बातें भी करता हूँ, परंतु उतनी खुशहाल और इतने स्वस्थ पौधे मेरे नहीं हैं जो मैंने यहाँ देखे। तो मुझे पता लगा कि जो एक वाइब्रेशन जो होता है ना, कि अमूमन हम सोचते हैं कि एक स्वस्थ वाइब्रेशन, एक ईश्वरीय वाइब्रेशन उन्हें दीजिए और उनको इनसे अपना एक इंटरेक्शन करिए, तो वो चीज़ क्या होती है ये मुझे यहाँ आके आज देख रहे, कितनी तबीयत खुश हुई कि मेरा पीस पार्क से आने का मन भी नहीं कर रहा था, इतना पौधों से लगा कि ये मुझे कह रहे हैं कि मत जाओ यहाँ से मुझे छोड़ के। तो एक ऐसा आनंद मिला कि मैं वर्णन नहीं कर सकता आपका। और मैं जैसे कि आप भाई ने कहा कि यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा, वाकई में यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, परंतु जैसा आपने कहा कि इस जो ज्ञान लिया है उसकी हमें अपने यहाँ जाके वर्षा करनी है और फिर यहाँ दोबारा आना है कोई बहाना लेके। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम देशराज सिंह है, भरतपुर में संयुक्त निदेशक कृषि के पद पर कार्यरत हूँ। कुछ जो मैंने महसूस किया है वो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। पहला तो ये है कि मैं आज तक 95 से मैंने संस्था का नाम सुना था, आज तक टिल टुडे मैं कभी केंद्र पर नहीं गया। और सेकंड मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कविता बहन जी का, प्रवीणा बहन जी का, इनके धैर्य का। हालांकि मैं भी काफ़ी धैर्यवान व्यक्ति हूँ कि इन्होंने जो है लगातार प्रयास करके, मैं हाँ करता रहा लेकिन मैं अंतिम समय तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, इसके बावजूद भी ईश्वरी कृपा से यहाँ आ गया। दूसरा, मेरे जीवन में 28 तिथि का विशेष महत्व है। 28 अक्टूबर को मेरी नौकरी लगी एज असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर,
28 जनवरी को एज एग्रीकल्चर ऑफिसर एक्सटेंशन में गया, 28 जनवरी को एज जोन डायरेक्टर मैंने ज्वाइन किया, 28 को मतलब कुल मिलाकर के जीवन बहुत महत्वपूर्ण कार्य 28 को हुए और 28 को भी मेरा इस संस्था से या ईश्वर से जुड़ा हुआ, ये भी ईश्वर की कृपा है। मैंने जो महसूस किया है यहाँ पर देवीय शक्तियाँ निवास कर रही हैं और यहाँ से देवीय शक्तियाँ देश में विदेश में जा करके हमारी समाज में हमारे धर्म में जो बुराइयाँ हैं जो कमियाँ हैं उनको विशेष करके रिफॉर्म्स करके और उनको जो है सही मार्ग पर लाने का कार्य कर रही हैं। मेरी जो धार्मिक मान्यताएं थी जो मेरी धार्मिक आस्थाएं थी वो काफ़ी मजबूत थी और उनमें कुछ त्रुटियां थी वो आकर के भी जो है काफ़ी मुझे इम्प्रूवमेंट मिला है मेरी धार्मिक मान्यताओं के बारे में आस्थाओं के बारे में। हालांकि मैं बहुत कुछ धार्मिक हूँ लेकिन कुछ कमियाँ थी यहाँ इम्प्रूवमेंट होने का मुझे मौका मिला है। और सबसे अच्छी बात ये जो प्रेम और डेडिकेशन और आस्था जो मैंने यहाँ देखी मैंने शायद आज तक कहीं नहीं देखी, तो ये मेरी बहुत सीखने वाली बात है। और मैंने कमिटमेंट भी किया है कि मैं चूँकि संभागीय अधिकारी हूँ तो वहाँ करीब करीब जो है 500 क्लस्टर्स हैं, 25,000 किसान हैं, उनमें किसानों के चयन में गाँव के चयन में और यौगिक खेती को बढ़ाने के लिए मैं जो है संस्था की मदद करूँगा, खुद भी जो है इस चीज़ को जोड़ूंगा। धन्यवाद, यही संकल्प जो अभी मैंने आपको निवेदन किया, हाँ खुद का ही तो मैंने जो निवेदन किया है यौगिक खेती को बढ़ावा दूंगा। हाँ सेल्फ प्रोग्रेस के लिए तो मैं करूँगा, काफ़ी जो सीखा है उसको करूँगा, अन्य लोगों को मोटिवेट करूँगा और संस्था से भी जुड़ूंगा। हाँ जुड़ूंगा संस्था से पर रेगुलर नहीं जुड़ पाऊंगा पर प्रयास करेगा मेरा। मैं डॉक्टर ब्रजेंद्र कुमार मिश्रा जनपद सीतापुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं उपनिदेशक उद्यान के पद से अभी जनवरी 18 में रिटायर हुआ हूँ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे रेजिडेंस पे एक नींबू का पेड़ था, मैं हॉर्टिकल्चर का होने के कारण उसको काफ़ी देख रेख करता सब कुछ करता था, उसमें खूब फ्लावरिंग होती थी, फल एको नहीं आता था। इत्तेफाक ये है एक दिन एक बुज़ुर्ग हमारे आए तो उनसे ऐसे बात चलने लगी कि भाई ये हमारा पौधा है फल नहीं दे रहा है, तो बोले सो क्या करते हो, तो हमने कहा सब कुछ करते हैं। तो उन्होंने ये बताई कि कभी प्रेम से आप दोनों जोड़े से उसके पास बैठो सुबह शाम और अनुनय करो कि महाराज हम आपको सब कुछ दे रहे हैं खाद पानी, आप हमको फल क्यों नहीं दे रहे हो। दोस्तों विश्वास करो दूसरे वर्ष उसमें 20 फल लगे और उसमें फलत आने लगी। ये अपना एक्सपीरियंस मैं उपनिदेशक उद्यान होने के नाते अपने जनपद फैजाबाद में 5-7 किसानों को बताया कि आप सब सुथरे मन से अपने खेत में लौकी का खेत हो चाहे तरोई का खेत हो शुद्ध मन से उनके पास जाइए, दुलार कीजिए, प्यार बांटिए। और उसी समय शाश्वत खेती का अभियान भी चला था, उसमें भी मैं अगुवाई करके किया था। तो वास्तव में अगर आप सच्चे मन से अपने इष्ट को जो भी इष्ट है को मानते हो और उसको प्रार्थना करते हो उसको लगाइए तो सर्वथा आपको उपयुक्त फसल मिलेगी। मेरा कड़ा अनुभव है, मेरा एक 20 साल का जामुन का पेड़ हमारे द्वारे लगाए नहीं फलता था, उसके साथ ही मैंने ये किया, खड़ंजा लगा था सड़क ने खड़ंजा लगा दिया था, खड़ंजा हटा करके मैंने गोबर डलवाया सबको डलवाया, फलत आती थी इक्का दुक्का कोई आती थी। फिर हम परिवार सहित मेरे दो बेटे और पत्नी रोज जाते थे शाम को सुबह कि महाराज हम सब कुछ करते हैं आप फलत क्यों नहीं। आज की तारीख में इतना फलत आई है उसमें कि कह नहीं सकता, मैं खा रहा हूँ पूरा मोहल्ला खा रहा है व्यंजन। मैं बरदानी भवन हमारे लखनऊ में उससे जुड़ा हूँ, वहाँ भी मैंने सभी अपने जो भाई बहने हैं उनको खिलवाया है। तो ये यहाँ आकर के मेरी और बलवती हुई इच्छा कि यौगिक खेती से सब कुछ हो सकता है, केवल हमें अपने मन को शुद्धता से साफ करके और जिस फसल में कर रहे हैं उसमें लगाना है। और मैं अब रिटायर हो चुका हूं लेकिन फिर भी मेरे पास अलीगढ़ से, मैं अलीगढ़ नहीं एटा रहा, कासगंज रहा, मैनपुरी रहा, कानपुर रहा, जिला उद्यान अधिकारी,
और मेरी यही बातें केवल सात्विकता की बातें मैं बताता हूँ। आज भी किसानों के फोन आते हैं, अलीगढ़ के किसान हैं, उनका नाम इसमें शायद श्रीराम सिंह या क्या, उनका अमरूद का बाग बहुत बड़ा था, फलत बहुत कम आती थी, चिड़िया उड़िया खाने पे उनको सब, हमने कहा सब बंद कर दीजिए आप, केवल समय पे पानी दीजिए, खाद दवा दीजिए ऑर्गेनिक, और बिना कीजिए कि हम आपकी इतनी सेवा कर रहे हैं, आप हमको कुछ कुछ जरूर दीजिए। आज उनका भी बाग अच्छा है और हमको फ़ोन करते रहते हैं, तमाम किसान कभी कुछ चना दे जाता है, कभी कुछ दे जाता है। और मैं अपने करीब 30 साल की सर्विस में जिस जनपद में भी रहा हूँ, किसानों ने मुझे याद किया है। केवल मैं खुद सात्विक हूँ और सात्विकता का ही प्रचार प्रसार करता हूँ, और यहाँ आने के बाद मेरी सात्विकता और बढ़ गई है। और 2012 में यहीं से पूनम बहन जी गई थी तो अलविदा तनाव का एक प्रोग्राम हुआ था, उस समय मैं तनावग्रस्त था तो मैं गया, और जब से मैं जुड़ा हूँ, मैं लखनऊ रहा 14 तक बराबर रहा, 2012 से 14 तक, उसके बाद मैं फैजाबाद गया, फैजाबाद भी सेंटर से जुड़ा रहा, उसके बाद मैं गोरखपुर गया, वहाँ भी जुड़ा हूँ, और अब तो रिटायर होने के बाद पूरे तन मन से जुड़ा हूँ। और बंधुओं अवश्य, मतलब आप, हम नहीं कहते कि शिव बाबा को ही मानिए, आप जिसको भी, आप अपनी कलम को अगर मान्यता देते हैं, अपने पिताजी को मान्यता देते हैं, तो उनको इष्ट मानते हुए और उनको शरण देते हुए जो भी आप काम करेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। इस सभागार में उपस्थित परम पिता के सभी दिव्यात्माओं को प्रणाम करते हुए, ये जो नेशनल सेमिनार हुई है, मैं तो कहूँगा कि ये इंटरनेशनल सेमिनार थी, क्योंकि इसमें स्वदेशी ही शामिल नहीं थे, इसमें पार्टिसिपेंट्स सम्माननीय नेपाल वासी भी हैं। ये जो सेमिनार हुई है ये मानव सेवा के लिए है, और ये सेमिनार एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि यहाँ हमने केवल जैविक खेती के बारे में नहीं, यौगिक खेती के बारे में नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता के बारे में भी बहुत दिव्य पाठ ग्रहण किए हैं। क्योंकि कुछ लेसन्स तो ऐसे थे कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हुआ करते थे, और कुछ ऐसे लेसन्स थे सुबह या और वक्त में कि वो इंटरडिसिप्लिनरी थे, जो कि आध्यात्म का क्षेत्र था। और मैं 29 से लगातार सभी सत्रों को अटेंड करता हुआ आ रहा हूँ, मुझे बहुत ही दिव्यता की अनुभूति इस प्रांगण में हुई है। जो पूज्य दादी जी ने कहा था कि मैं कौन, मेरा कौन, इसकी हमें जानकारी हुई है कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, यानी कि आत्मा और परमात्मा के बारे में हमें एक नया अनुभव हुआ है। जो अब तक हम तिमेर में थे, अंधकार में थे, अब वो हम उससे निकल करके इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के माध्यम से हम एक प्रकाश की तरफ आए हैं। और ये इतना अच्छा विश्वविद्यालय, एक इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है कि अगर मेरा मानना है कि जो संस्कार किसी मानव में डाले जाते हैं उसकी प्रारंभिक अवस्था से डाले जाते हैं, तो अगर प्रारंभिक अवस्था से डाले जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं निवेदन करूँगा कि किशोरों का भी एक किशोर की भी विंग होनी चाहिए, क्योंकि जो संस्कार जो पैदा होते हैं, एंथ्यूज किए जाते हैं, वो प्रारंभिक अवस्था से होने चाहिए। तो ये बहुत बहुत दिव्य अनुभूति हुई, और जो प्रसन्नता, खुशी, शांति, संतुष्टता, और यहाँ हमने जो पवित्रता देखी वो वर्णन अतीत है। ओम शांति। नमस्कार, आई एम टोटली कंफ्यूज व्हाट टू से व्हाट फ्रॉम मी सर। वी आर 9 मेंबर्स हियर फ्रॉम नेपाल, इंक्लूडिंग दुर्गा भाई। वी आर हियर टू डिफरेंट प्लेसेस ऑफ नेपाल, वन धनकुटा म्युनिसिपैलिटी, another Ilam municipality. Dhankuta is eastern part of Nepal. It is historical city, but small. And Ilam is close to Darjeeling. Perhaps you know
Darjeeling is naturally very beautiful place. भाई जी आप अपना अनुभव सुनाइए आपने क्या संकल्प किया. I'm going to explain my experience here. First of all, I want to speak on behalf of my team here. I want to thanks Brahma Kumari Raj Yoga Kendra Dhankuta, especially Nirmala Bahinji, through which we are here, part of this divine and spiritual program for 4 days here. And I want to introduce my team member here. आप अपना अनुभव बताइए, स्वयं का अनुभव बताइए. We are feeling here. We are feeling here, we are close to Baba. When we came here, the first day, we feel we came to a different place, different universe, like a noble, divine and spiritual place, where before that time we missed this place. I feel completely changed here. These types of divine and spiritual place to be part of this program is a golden opportunity, I feel that. Here we got opportunity to know and hear new things, new technically and spiritually and conceptually new things. We got opportunity to learn and hear new things here technically about jaivik farming and yogic farming. In Nepal, jaivik farming is unprocessed, but I came here, I heard yogic kheti is totally new for us. मैं लगभग 36 साल IFFCO में सर्विस करने के बाद मैं रिटायर हुआ और उस पर लास्ट में मैं चीफ मैनेजर मार्केटिंग की पोस्ट से रिटायर हुआ. क्वालिफिकेशन मेरी मैं MSc एग्रीकल्चर है. जहाँ तक यहाँ के अनुभव का सवाल है, मेरी ये धारणा है कि सेमिनार से हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों का, कृषि के एग्रीकल्चर में काम करने वाले वर्करों का और किसानों का एक तरह से आंखें खुलेंगी. और एक और मेरी विचारधारा है, इस सेमिनार के 4 दिन के डिलीबरेशन से योग्य खेती का मेरे हिसाब से बीज बो चुका है इस सेमिनार से, और जल्दी ही इसका पौधा बनके पूरे देश में अंकुरित होगा और योग्य खेती की तरफ किसानों का रुझान बहुत बढ़ेगा. और जैविक खेती तो काफ़ी दिन से चल रही है, इससे और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा. संस्था से मेरा एक सुझाव है कि इस तरह के कार्यक्रम देश के विभिन्न भागों में जहां आपकी संस्थाएं कार्यरत हैं उन पे भी महीने दो महीने में रूरल एरिया में जाके, गांवों में जाके ऐसे कार्यक्रम हो तो उससे डेफिनेटली हमारे किसान भाइयों का बहुत भला होगा. ओम शांति. धन्यवाद. ओम शांति. मेरा नाम डॉक्टर अमरजीत कौर है. मैं पंजाब से मोहाली से आई हूँ. मैं, मेरे हस्बैंड दोनों आए हुए हैं. मैं वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज मोहाली से एज ए प्रोफेसर रिटायर हुई हूँ. हम बहुत सालों से माउंट आबू आने का सोच रहे थे लेकिन कभी अवसर ही नहीं मिला. सो अब बहुत देर बाद ये टाइम मिला और यहाँ पे आके बहुत खुशी हुई. बहुत हम लोग अपने गांव में जैविक खेती कर रहे हैं लेकिन जो यौगिक खेती की टर्म है वो हमने फर्स्ट टाइम सुनी है यहाँ आके. और बहुत कुछ जाना है यौगिक खेती के बारे में. अब जाके हम भी अपने फार्म पे वो यौगिक खेती ट्राई करेंगे. बाकी जो जहाँ पे जितने भी भाई बहन मिले हैं इतने अच्छे हैं, इतने नाइस हैं, मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती.
हम भी सोचते हैं कि हम उनकी तरह इतना मीठा बोलना सीखे, हम बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं यहाँ से। और बाकी जो हमारी एकोमोडेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, हमारा स्टे बहुत बढ़िया रहा, खाना हमें बहुत अच्छा मिला, हमने आपकी किचन भी देखी, बहुत ही साफ सुथरी किचन है, बहुत सेटिस्फेक्शन हुई हमें यहाँ पे आके, सारा अनुभव बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खुशी हुई, बार बार आने को मन करेगा। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। आप सब ने इस कॉन्फ्रेंस में आकर के चार दिन के अंदर कुछ कृषि की बातें सुनी, कुछ आध्यात्मिकता की बातें सुनी और योग के प्रयोग की भी बातें सुनी। इसके सार रूप में आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव शेयर किए हैं। लास्ट में जो भाई ने बताया कि किशोर बच्चों के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो वो भी कार्यक्रम हमारे लोकल सेवा केंद्र पर चलते रहते हैं और साल में एक बार जब इनकी छुट्टियां होती हैं मई मास में, तो यहाँ इन बच्चों का भी प्रोग्राम होता है। करीब 5 से 6 हज़ार बच्चे पूरे भारत से यहाँ पर आते हैं और उनको ये आध्यात्मिकता के संस्कार दिए जाते हैं, तो वो भी यहाँ पर हर वर्ग की सेवाएं यहाँ पर हो रही है और अच्छी तरह से सब कर रहे हैं। आप सभी मेहमान बन कर के आए थे, गेस्ट बन कर के आए थे, लेकिन अभी आप होस्ट बन गए हैं, परिवार के हो गए हैं, घर के हो गए हैं। आपने परमात्मा को भी पहचाना है, योग को सीखा भी है और अभी आप यहाँ से जाकर के जिस योग को सीखा है उस योग को अभी आप अपने जीवन में प्रयोग में लाएंगे, तो सचमुच में ये जीवन एक श्रेष्ठ जीवन हो जाएगा। और सिर्फ हम ही नहीं लेकिन दूसरों को भी प्रेरणा देते रहेंगे और योगिक खेती जो हमें भारत को ऊंचे स्थान पर ले जाना है, तो योगिक खेती को भी हम बढ़ावा देंगे। खुद की अगर खेती है तो खुद भी कर सकते हैं, नहीं है तो कोई ऐसे भी होते हैं जो इंटरेस्ट लेकर के खुद की खेती खरीद करके भी इस योग के प्रयोग के लिए स्पेशल इस प्रकार करते रहते हैं। तो आप सभी को भी ऐसे ही योग के प्रयोग करते रहना है, खुद को भी आगे बढ़ना है और औरों को भी आगे बढ़ाते रहना है, प्रेरणाएं देते रहना है, यही आप कार्य करेंगे, ऐसी हम सब की शुभ आशाएं हैं। अंत में आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स जो यहाँ आकर के आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनाए।